हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेफोरामाइसिन स्किन क्रीम के बारे में। ये क्रीम किन कंडीशन में यूज़ की जाती है, इसके यूज़ और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सेफोरामाइसिन स्किन क्रीम है, जो सनोफी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, ये आपको 30 ग्राम की पैकिंग में मिल जाएंगी, जिसकी जो पैकिंग है ये आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक क्रीम है, जो कि बहुत सारी डिसीज में इसका यूज़ किया जाता है। मेनली दोस्तों, ये बैक्टीरिया से होने वाली जो इन्फेक्शन होती है उनमें यूज़ की जाती है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर देती है। अब जानते हैं इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स के बारे में, ये किन कंडीशन में यूज़ की जाती है। अगर आपकी स्किन है वो जल गई है, स्किन जलने पर भी इसको लगा सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़, हम गर्म चीज़ से हमारे जो हाथ सड़ जाते हैं, जहाँ हाथ जलने की वजह से जो शाले हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके किसी तरह का जख्म हो गया है, जख्म अगर आपका ऊपरली स्किन में है, मीनिंग वो जो जख्म है वो डीपली नहीं होना चाहिए, अगर वो थोड़ा ऊपर ही है उस पर ही इसको लगाना चाहिए। और एक्सीडेंट के दौरान अगर आपको कोई क्रोच आ गई है, या फिर बच्चों को खेलते टाइम क्रोच वगैरह लग जाती है, तो उस टाइम भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और कई पेशेंट के जो अल्सर हो जाते हैं, अल्सर मीनिंग जैसे जो पर्सन हैवी चीज़ें उठाते हैं, जैसे जिम वाले जो लोग होते हैं वो बंडल्स वगैरह उठाते हैं, तो उनके हाथों में जो अल्सर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम अल्सर को ठीक करने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये क्रीम बॉयल के इन्फेक्शन में भी यूज़ की जाती है, इसमें पेशेंट के फोड़े हो जाते हैं या फिर पस वाले फोड़े होते हैं, जो आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको पैटिको डिसीज़ में भी यूज़ किया जाता है, जो मेनली बच्चों में पाई जाती है। ये एक तरह की स्किन इन्फेक्शन होती है, इसमें रैशेस और ईचिंग होती है बच्चों को, तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिन पेशेंट के हेयर फॉलिक्स की इन्फेक्शन हो गई है, हेयर फॉलिक्स मीनिंग अगर हम किसी एरिया पर हमारा जो बाल तोड़ के कारण जो फिंसी हो जाती है, पस वाली फिंसी, तो उस कंडीशन में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, कई लोग जो शेविंग एरिया पर भी कईयों के इन्फेक्शन हो जाती है शेविंग करते टाइम, तो उस टाइम भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ हम कान के बाहरी एरिए पर अगर इन्फेक्शन हुई है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान के अंदर इन्फेक्शन नहीं है, उसमें इसको यूज़ नहीं करना है, इससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और अगर आपके चेहरे पर पिंपल हो गए हैं, पस वाले पिंपल हो गए हैं, तो उनमें ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और ये उंगलियों की इन्फेक्शन में भी यूज़ की जाती है, कई पेशेंट के जो नेल्स के नियर इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसके यूज़ कर सकते हैं। और जिन पेशेंट के बालों में लाइस की प्रॉब्लम के कारण, जूओं की प्रॉब्लम के कारण बालों में इन्फेक्शन हो जाती है, ईचिंग होने लगती है, ख़ारिश होती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे इसके बहुत ही सारे बेनिफिट्स। डॉक्टर कई बार और भी कंडीशन में आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 45 रुपीज़ 76 पैसे में मिल जाएगी। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इसको लगाने से पेशेंट में क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे जिस एरिया पर पेशेंट लगा रहा है उस पर रेडनेस हो सकती है, उसको ईचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, या फिर लाल दाने पड़ सकते हैं स्किन पर, और बर्निंग सेंसेशन भी फील हो सकती है। अगर आपको और कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, तो उस टाइम इसको जो अप्लाई करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दोस्तों, इसको आप 7 से 10 डेज तक रेगुलर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसको लॉन्ग टाइम के लिए ना यूज़ करें, बिकॉज इससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही अगर हम कान के अंदर लगाएंगे तो आपको डीफनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। और दोस्तों, इसको अगर आपकी नस वगैरह कट गई है, तो उसमें इसको नहीं यूज़ करना है। ओनली
जो आपके ऊपरले हिस्से ऊपरली जो स्किन होती है उस पर कोई जख्म है या खरोच आ गई है, जली हुई स्किन है, तो उसमें हम इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी सेफोरामाइसिन स्किन क्रीम के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।